अतीक की हत्या के बाद उसके जनाजे में अतीक के दो नाबालिग बेटे पिता और चाचा की कब्र पर नहीं जा सके, चीखते बिलखते रहे। तो वहीं इसको लेकर बाल सुधार गृह से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखें आप। राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह के सामने खड़ा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही बाल सुधार गृह है जहां पर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे अंदर रखे गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहां पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है, देखिए किस तरह से पुलिस यहां पर ये खड़ी हुई है। और अतीक अहमद के दोनों बेटे एजम और अबान इसी में बंद हैं। मैं आपको बताऊं कि जब असद का जब अंतिम संस्कार जब यहीं खसारी मसारी कब्रिस्तान में हो रहा था, जब वो कब्र में जब वो दफन हो रहा था, तो तब भी ये गिड़गिड़ाते रहे दोनों भाई कि हमको अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने और बंदी रक्षकों ने इसको मौका नहीं दिया। और कल जब इसने सुना कि इसके पिता का और इसके चाचा का अंतिम संस्कार हो रहा है कब्रिस्तान में, खसारी मसारी कब्रिस्तान में, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा और अंतिम क्षण में जाकर मिट्टी देना चाहता था, कयामत की रात के लिए जाके उनके आत्मा के शांति के लिए वहां पर वो अंतिम संस्कार में भाग लेना चाहता था, मन्नते मांगना चाहता था, उनके आत्मा की शांति के लिए वहां पर मिट्टी डालना चाहता था, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया। दोनों बच्चे, दोनों नाबालिग बच्चे अतीक अहमद के इसी बाल गृह में पड़े रहे, लेकिन वहां पर जाने का मौका नहीं मिला। ये बहुत अभागे बच्चे हैं जो कम उम्र में यहाँ पर ये रात दिन यहाँ पर बिता रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा अभागी इसकी माँ है जो अपने बेटे के अंतिम शव को नहीं देख सकी, यहाँ तक अपने देवर के भी अंतिम शव को नहीं देख सकी और अपने पति के भी अंतिम शव को नहीं देख सकी। आज साइस्ता जो इन दोनों बच्चों की जो माँ है वो फरार है, 50,000 उसके ऊपर प्रयागराज पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है और इसकी इनकी मौसी भी फरार है। तो कहने का मतलब कि अतीक अहमद का जो पूरा कुनबा है, पूरा जो इनका परिवार है बिखरा हुआ है, चार चार बच्चे जेल में हैं, एक बच्चा अली नैनी में बंद है, वह भी नहीं आ पाया अपने भाई के अंतिम संस्कार में, वहाँ पर अखबार समय से नहीं पहुँचा, वहाँ पर टीवी बंद करा दी गई, उसको तो सूचना ही नहीं मिली कि उसके चाचा की और उसके बाप की हत्या हो चुकी है। तो इस तरह से अतीक अहमद का पूरा परिवार, आज उसके चार बच्चे जेल में बंद हैं, पत्नी फरार है, अतीक अहमद खुद मारा जा चुका है, अतीक अहमद का एक बेटा पुलिस मुठभेड़ झांसी में मारा जा चुका है, अतीक अहमद का भाई जिसको उंगली पकड़कर ये अपने अपराध के कारोबार में लाया था, आज उसका भाई भी नहीं रहा और वो भी मिट्टी और कब्र में दफन हो गया। तो कुल मिलाकर अभी तक अतीक अहमद के परिवार के तीन सदस्य, खुद अतीक अहमद, उसका छोटा भाई अशरफ जो कि पूर्व विधायक रह चुका है, दोनों अतीक अहमद खुद चार बार का विधायक रहा है और एक बार का सांसद रहा है, और साथ उसका जो बीच वाला जो लड़का था असद, ये तीन लोग अब मिट्टी में दफन हो चुके हैं, कब्र में इनकी विदाई हो चुकी है, ये मिट्टी में सुपुर्द एक खाक हो चुके हैं। तो जो अतीक अहमद का जो एक काला साम्राज्य था उसका कहीं न कहीं अंत हो गया है। कैमरामैन अरशद के साथ।